काँच बस के पा बहंगी बहंगी लचकत जाए। जय छठी मैया। रहो लगिन के छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, स्वागत बा रहो लगिन के एसके लाइफ में राउर समय राउर समाचार नेहा गुप्ता के साथे। बढ़ती आज के विशेष खबर के तरफ, बिहारी समुदाय के महात्यौहार छठ पूजा के कार्यक्रम रोवा आज साँझ 4 बजे एसके लाइफ के एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट और हाथवे सेटअप बॉक्स के टीवी चैनल संख्या 871 क्लासिक सिलीगुड़ी में देखनी और काल भोर के भी सीधा प्रसारण रोवा 4 बजे से देख सकत बानी। जौन की निरंजन घाट, संतोषी नगर घाट, महानंदा चंपासरी, नौका घाट और गांधी मैदान में होके जा रहल बा। खास करके बिहारी समुदाय के महापर्व छठ पूजा आज शाम के बहुते हर्षोल्लास के साथे मनायल गेल। उत्तर बंगाल के प्रमुख नदी महानंदा के साथे अन्य नदी कुल में भी आज साँझ के डूबत हुआ सूरज देव के पहला अर्घ दियल गेल और काल भोरे उगते हुए सूरज भगवान के उपासना करके साथे दूसरा अर्घ दिहल जाए और इस पूजा के समापन होगी। सिलीगुड़ी के भाजपा के नया कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि पूजा पार्टी के समर्थक लोग के बीच भेल संपन्न। सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी स्थित सिंक्लेयर्स होटल के पीछे भाजपा के नया कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि पूजा करल गेल। इस अवसर पे उपस्थित रहनी सिलीगुड़ी जिला कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी, जिला सचिव कन्हैया पाठक, प्रवीण अग्रवाल, गीता चटर्जी, राजू साहा, सविता देवी अग्रवाल साथे अन्य सदस्यगण। भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला सभापति अभिजीत राय चौधरी बोलनी जे आगामी दिन में यहाँ अत्याधुनिक जिला कार्यालय होगी, ओही के लेके ई भूमि पूजा भइल। दिन प्रतिदिन पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता लोग की संख्या बढ़ल जात बा, यही खातिर सिलीगुड़ी में एगो बड़ा कार्यालय के जरूरत रहे। साथे ही बोलनी जे लगभग 1 बीघा जमीन में इस कार्यालय के निर्माण कार्य लोकसभा चुनाव के पहले ही शुरू हो जाए। आगामी दिन एखाने जिला कार्यालय होबे, आमरा तार जन्य आज के भीत पूजन करछि एवं आगामी दिन एखाने भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कार्यालय होबे, পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের কার্যালয় হওয়ার এখানে কথা আছে। আলিপুরদুয়ার যুবা তৃণমূল কংগ্রেস কে ওর সে ছট পূজা কে উপলক্ষ মে সাড়ি কে বিতরণ কল গইল। अलीपुरद्वार के अमर सिनेमा हॉल के सामने वस्त्र वितरण कार्यक्रम करल गेल। इस अवसर पर उपस्थित रहनी अलीपुरद्वार जिला के विधायक सौरभ चक्रवर्ती और युवा तृणमूल कांग्रेस के सभापति समर भट्टाचार्य साथे अन्य गणमान्य लोग। इस अवसर पे छठवर्ती साड़ी पाके काफी खुश दिखनी। लेते को छोटा सा ब्रेक, लौटतनी ब्रेक के बाद। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कॉन्टैक्ट समानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस। मोबाइल नंबर 9434023813। इंटरेस्टेड टू लर्न फोटोग्राफी but don't have time on weekdays? Good news, we have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 9832078906. Address: Somani Institute of DG Vision and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. SK Live is 21st century internet news channel, now also available on Hathaway Box channel number 871 on traditional TV. SK Live is the first and independent internet and traditional news channel in North Bengal and Sikkim, committed to providing complete news and live debate to global audience in 5 different languages, viz. Hindi, Bengali, Nepali, Marwari and Bhojpuri. We streamed over the internet and onto your TV device, smart as well as cable, computer or smartphone, and our original television contains produced HD video. ब्रेक के बाद खबर विस्तार से। बड़ी लंबा समय और कड़ा मशक्कत कैला के बाद दोबारा खुलल विद्यार्थी लोग खातिर उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर स्थित दारी बिठाई स्कूल।
गत 20 सितंबर के बंगला शिक्षक के मांग कर रहल प्रदर्शन में दुगो छात्र के मौत हो गेल रहे। ओही के खातिर ई दारी भीट स्कूल बंद रहे। शिक्षण प्रक्रिया एक माह 20 दिन तक बंद रहे। महकमा शासक शनिवार के 12:15 विद्यालय के खोलनी, जहां उपस्थित रहनी एसडीओ के सांगे बीडीओ, विधायक और शिक्षक शिक्षिकागण। एकरा अलावा उपस्थित रहनी विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि दल भी। पूर्व आरबीआई गवर्नर नोटबंदी और जीएसटी के बतैनी विकास में बाधा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन नोटबंदी और जीएसटी के आर्थिक वृद्धि के राह में आवे वाला ऐसन दू गो बड़ा अड़चन बतेले बानी जौन पिछला साल के विकास रफ्तार के प्रभावित कैले बा। साथे इ बात पे भी जोर दिहनी जे 7% के मौजूदा विकास दर देश के जरूरत के हिसाब से काफी ना बा। देश के वृद्धि दर ऐसन वक्त में गिरे लागल जब वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर गति पे रहे। जापान सिक्किम में निवेश करे खातिर सिक्किम के राजधानी गैंगटॉक के एक होटल में जापान सरकार और सिक्किम सरकार के प्रतिनिधिगण के बीच भइल बैठक। पत्रकार लोग के उपस्थिति में संपन्न भइल इ बैठक में जापान के ओर से आर्थिक मामला के मंत्री केन को सेन और सिक्किम सरकार के ओर से उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के मंत्री उगेन टी ग्याछो भूटिया उपस्थित रहनी। एकरा अलावा मौजूद रहनी टी स्टेट के प्रबंध निर्देशक मृणा लिनी श्रीवास्तव, सिक्किम खाद्य प्रसादन कारखाना के प्रबंध निर्देशक पवन अवस्थी, सिक्किम सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के मंत्री उगेन टी ग्याछो इस कार्यक्रम के संबोधित करत हुए बोलनी जे सिक्किम में पर्यटन और जैविक कृषि में व्यापक रूप से काम भइल बा, जेकरा खातिर सिक्किम विश्व स्तर पे प्रसिद्ध हो चुकल बा। जापान जैसन देश भी सिक्किम में निवेश करे खातिर रुचि देखावत बनी। एकरा अलावा आगामी 15 नवंबर के दिन जापान राजदूत सिक्किम आई है। आगामी 9 दिसंबर के गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा के शुरू करे खातिर कुछ बिहार आ रहल बानी अखिल भारतीय भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह। ई रथ यात्रा के सफल करे के उद्देश्य से दिनहाटा महकमा भाजपा कर्मी लोग के साथ ही एगो सभा शहर के एगो होटल में कैल गई। ई अवसर पर उपस्थित रहनी भाजपा कूच बिहार जिला के सभा नेत्री मालती राभा, भाजपा कूच बिहार जिला के सह सभापति ब्रज गोविंद बर्मन के साथ ही अन्य गणमान्य लोग जन। ई अवसर पे काफी संख्या में मौजूद रहनी भाजपा समर्थक लोग। ज्ञात रहे कि ई यात्रा 3 चरण में निकालल जाए। আমাদের এই মিটিংটা পশ্চিমবঙ্গ গণতন্ত্র বাঁচাওয়ের যে আমাদের যাত্রা শুরু হবে 7 ডিসেম্বর যাত্রা শুরু হবে, সেই প্রকারে 7 ডিসেম্বর যাত্রার সূচনা করবেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহজি। তারই প্রস্তুতি বৈঠক হিসাবে আজকে দিনহাটা বিধানসভা ভিত্তিক আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও গণতন্ত্র বাঁচাওয়ের যাত্রার প্রস্তুতি বৈঠক। कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बड़ा ही भव्य रंगारंग कार्यक्रम के बीच 24वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भइल आगाज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, वहीदा रहमान, सौमित्र चटर्जी सह अन्य कलाकार लोग एक साथे मिलके एकरा उद्घाटन कैनी। गौरतलब बा कि ई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों उत्सव में ऑस्ट्रेलिया के थीम कंट्री बनाएल गेल रहे। दुनिया भर के 170 फिल्म यहाँ प्रदर्शित करल जाई। इस स्टेडियम के रंग बिरंगा लाइट से सजावल गई रहे और वहाँ शामिल दर्शक लोग के ताली से पूरा स्टेडियम गूंज उठल रहे। मुख्यमंत्री बनर्जी बोलनी जे उनकरा आवे से पहले बंगला सिनेमा के स्थिति बहुत खराब रहे। साथे ई भी बोलनी जे बंगला में इतना प्रतिभावना लोग बाड़े जे उनकरा के थोड़ा से सहयोग कैला से बंगला सिनेमा हॉलीवुड के भी पीछे छोड़ सकत बा। अलीपुरद्वार जिला के भारत भूटान सीमावर्ती शहर में तैयार हो रहा आधुनिक मॉडल बस टर्मिनस। जयगांव विकास विभाग के ओर से लगभग 60 करोड़ रुपया के लागत से ई बस टर्मिनल के निर्माण कार्य चल रहल बा, जहां विभिन्न प्रकार के व्यवस्था उपलब्ध रही। अलीपुरद्वार जिला के शासक और जयगांव विकास विभाग के चेयरमैन निखिल निर्मल बतैनी जे अर्बन फंड से लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च कैला के बाद ई बस टर्मिनल के निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहल बा। जनवरी के मध्य तक ई कार्य संपन्न होखला के आशा बा और जनवरी में ही एकरा उद्घाटन भी हो सकेला।
আমাদের জেডি এর পক্ষ থেকে একটা নতুন বাস টার্মিনাস আমাদের জয়গাঁওতে হচ্ছে। ওটা বেসিক্যালি ইউডি ডিপার্টমেন্ট, আর্বান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ফান্ডে আমরা এটা করছি। একটা 60 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট, বড় প্রজেক্ট। আমরা এটা ভাবছি বাই জানুয়ারি আমরা এটা কমপ্লিট করবো আর উদ্বোধন হবে। अब तक खातिन इतना ही, आगे खबर खातिन बदल रही है एसके लाइव के साथ। राउट समय राउट समाचार। धन्यवाद।